इस शख्स ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की, जिसका कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत का लीडर नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, जिसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिच, ओल्ड और खतरनाक कहा, जो भारत की सरकार गिराना चाहता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसे इकोनॉमिक टेररिस्ट कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग हीरो, जिसने अतीत में कई देशों की इकोनॉमी को बर्बाद भी किया है। लेकिन आखिर ये शख्स है कौन, जिसके एक बयान ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया, और क्यों इसकी नज़र अब भारत की इकोनॉमी पर पड़ी है? पिछले कुछ सालों से हम काफी सारे बयान सुनते आ रहे हैं कि 2014 के बाद से भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। Is the death of democracy. और यही बात कुछ दिनों पहले जॉर्ज सोरोस नाम के एक बिलियनियर ने भी दोहराई, और उन सभी पार्टी के लीडर जिनको अडानी जैसे व्यापारियों से प्रॉब्लम है, वो सोरोस के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये जॉर्ज सोरोस है कौन? सोरोस का जन्म हंगेरी में एक ज्यूस परिवार में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब जर्मन्स ज्यूस को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, तब उनके पिता ने इनके बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी तरीके से बदल कर इन्हें कैथोलिक बना दिया। इतना ही नहीं, उस समय सोरोस पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने दूसरे ज्यूस परिवारों को ढूंढने में नाजीस की मदद भी की थी। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद ये अमेरिका आकर एक हेज फंड इन्वेस्टर बन गए, जिन्होंने अपने करियर में कई सालों तक लगातार इन्वेस्टर्स को 30% तक का रिटर्न दिया। आज इनके नेटवर्थ है $8 बिलियन, और 1980 से आज तक सोरोस ने लगभग $32 बिलियन दान किए हैं, जिसमें से ज्यादातर डोनेशन इन्होंने अपनी चैरिटी को दिया, जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। आज हमारे देश में इनकी इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एक बड़े इंटरनेशनल फोरम पर इंटरव्यू के दौरान अडानी हिंडनबर्ग मामले का जिक्र करते हुए कहा, अडानी की जो हालत हुई है उससे शायद बीजेपी की सरकार गिर सकती है और भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल आ सकता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आखिर एक इन्वेस्टर इतना अमीर कैसे बना। दरअसल सोरोस पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका आए और फॉरेन करेंसी में डील करना शुरू किया। इससे पहले 1970 तक वो अमीर लोगों के पैसे मैनेज किया करते, यूरोप में अमेरिकन पैसे इन्वेस्ट कर उन्हें डबल करते। इस वक्त तक सोरोस काफी अमीर बन चुके थे, लेकिन वो बिलियनियर की लिस्ट में तब शामिल हुए जब उन्होंने क्वांटम फंड के नाम से खुद का फंड स्टार्ट किया। इस फंड ने लगातार अपने क्लाइंट्स को हर साल 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फंड के क्लाइंट्स थे रॉथस्चाइल्ड, वॉलनबर्ग जैसे दुनिया के सबसे अमीर और खुफिया परिवार। वॉरेन बफेट से भी पहले सोरोस दुनिया के पहले इन्वेस्टिंग सुपरस्टार बने। लेकिन कैसे? दरअसल उन्होंने अपने फायदे के लिए कई देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। सोरोस किसी एक कंट्री की करेंसी को टारगेट कर शॉर्ट पोजीशन ले लेते, इससे उस देश की करेंसी जितनी गिरती उतना ही वो प्रॉफिट बनाते। 1990 में सोरोस ने एक ऐसी ट्रिक अपनाई जिससे उन्होंने एक दिन में ही $1.5 बिलियन का मुनाफा कमाया। सोरोस को ये पता था कि ब्रिटिश सरकार जिस करेंसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है उसे वो ज्यादा दिनों तक खींच नहीं सकते। इसी दौरान सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड में $10 बिलियन का इन्वेस्ट किया, जिसके बाद उसने ये बात लोगों तक फैला दी कि पाउंड सही से ग्रो नहीं कर रहा। इसके फलस्वरूप सारे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे ब्रिटिश मार्केट से निकालने लगे, और 16 सितंबर 1992 पूरा ब्रिटिश करेंसी मार्केट क्रैश हो गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड डूब गया। इसी क्रैश होते मार्केट से सोरोस ने रातों रात $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद ब्रिटेन में कई सालों के लिए आर्थिक मंदी आई और सोरोस को टाइटल दिया गया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी स्ट्रेटेजी से उन्होंने थाईलैंड की इकोनॉमी को भी बर्बाद किया। 1997 में थाईलैंड दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन इनकी इकोनॉमी में कई सारी कमियां थी, जैसे उनके देश में खुद की इंडस्ट्री कम थी और वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड पर डिपेंड थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर सोरोस ने उनकी करेंसी बाट पर अटैक किया, और आज तक थाईलैंड इससे उभर नहीं पाया है। जापानी येन का भी हाल उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन समस्या ये है कि अब सोरोस की बुरी नजर इंडिया के इकोनॉमी पर पड़ी है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तभी सोरोस ने अपने एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर ये अनाउंस किया कि ओएसएफ ने अब भारत में भी विशेष प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है, और अब हाल ही में भाजपा लीडर स्मृति ईरानी का कहना है कि सोरोस ने पीएम मोदी और उनकी सरकार गिराने के लिए $1 बिलियन के फंड की घोषणा की है। अपने एजेंडा को फैलाने के लिए सोरोस ने तीन बड़े तरीके अपनाए, जिसमें पहला है ऑपोजिशन पार्टी से कनेक्शन। ओएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी का कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से काफी गहरा ताल्लुक, जिन्हें कई सारे प्रोटेस्ट में साथ में देखा गया, जैसे एनपीसीए प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट या फिर हाल ही में हुए भारत जोड़ो यात्रा। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह ओएसएफ की एक एम्प्लॉई है, और अभी हाल ही में ऑपोजिशन लीडर शशि थरूर ने ट्वीट कर सोरोस को अपना दोस्त बताया, जिससे सोरोस और ऑपोजिशन के बीच साफ साफ रिश्ता देखा जा सकता है। अगला तरीका है इंडिपेंडेंट
एक जर्नलिस्ट को फंडिंग, जिससे वो सरकार के खिलाफ न्यूज दिखाते रहते हैं। इसमें छोटे छोटे जर्नलिस्ट के साथ कई बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल है, जैसे बशरत पीर, इंदिरा जयसिंह। और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है एनजीओ को फंडिंग। सोरोस की एनजीओ ओएसएफ अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए भारत के अन्य एनजीओ को पैसा देती है, और ये इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल और रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं। जिनमें दो सबसे एक्टिव एनजीओ है लॉयर्स कलेक्टिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। इनके बारे में 2016 में ही गवर्नमेंट को पता चल चुका था। तब से ही गवर्नमेंट ने ओएसएफ पर नजर रखना शुरू कर दिया और ये नियम लागू किया कि उन्हें कोई भी फंडिंग देने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका विरोध करते हुए ओएसएफ ने कोर्ट में केस किया कि आखिर उन पर नजर क्यों रखी जा रही है, और इसका कारण जानने की मांग रखी। लेकिन उल्टा कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एनजीओ की फंडिंग से सोशल स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज पर भी खासा असर पड़ता है। मतलब आप गलत कर रहे हो, इसलिए परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद भी सोरोस को सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी कई सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। जैसे इस सोशल मीडिया पेज को ही ले लीजिए, किस तरह इसके पोस्ट ओएसएफ से जुड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोरोस, जो खुद को लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता का भगवान मानता है, वो खुद ही इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में फंडिंग देता है। इन सब से ये साफ पता चलता है कि जॉर्ज सोरोस जो करने की कोशिश कर रहा है, वो इंडियन डेमोक्रेसी पर एक सीधा आक्रमण है, जिसे दुर्भाग्यवश कई बड़े नेता और अपोजिशन पार्टी अपने फायदे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सोरोस क्या करना चाहता है। वो भारत की मौजूदा सरकार को गिराकर एक ऐसी सरकार को लाना चाहता है जो उसके विचारधारा से सहमत हो, और वो भी इंडियन वोटर्स की मर्जी के खिलाफ, जो भारत के लोकतंत्र को खोखला करने की एक साजिश है।